how to solve these types of questions. So first of all, remember that ये अलग तरीके से कोई question नहीं है जो data sufficiency है. अगर आपने इनको analyze किया तो definitely आप इनका answer दे सकते हो. कुछ new pattern नहीं है ये. ये जो आपका analytical जो approach है कि किस तरीके से आप analyze करते हो question को, उस पर depend करता है ये. Okay. So when you attempting a question on data sufficiency, you should follow some pattern जो मैं अभी बताऊंगा किस तरीके से approach करना है. वो अप्रोच अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हो तो वो अप्रोच अप्लाई करने से द प्लस पॉइंट इज सेव टाइम. एंड जब कभी भी आप डेटा सफिशिएंसी में कहीं पे भी स्टक हो जाओगे, कुछ आपको नेक्स्ट जो मूव नहीं मिल रहा होगा, उस केस में ये जो मैं स्टेप्स बताऊंगा ये आपके ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे. एट दैट पॉइंट इट विल हेल्प यू योर चांसेस ऑफ गेसिंग अ करेक्ट आंसर. मतलब ये आपके चांस को इंक्रीज करता है कि आप करेक्ट आंसर को किस तरीके से गैस करोगे. ओके, नाउ स्टेप फर्स्ट, रिमेंबर फर्स्ट चेक स्टेटमेंट वन, इज इट सफिशिएंट. हम सबसे पहले स्टेटमेंट वन को देखेंगे, क्या वो सफिशिएंट है. जैसे यहाँ पे मैंने बताया था, स्टेटमेंट वन को देखा अपन ने पहले, जो एग्जांपल था हमारा, एग्जांपल फर्स्ट जो था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, उसमें था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो. हमने स्टेटमेंट फर्स्ट को देखा, इज इट सफिशिएंट टू गिव द आंसर. यस इट इज सफिशिएंट कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, इट इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर. देयर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई, बिकॉज वी नो द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अंडर रूट अपॉन टू ए. सो वी कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द स्टेटमेंट वन. सो इफ स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, देन वी कैन से दैट अगर वन जो स्टेटमेंट वन सफिशियंट है तो हम क्या लिख सकते हैं, स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशियंट. किस किस ऑप्शन में आ रहा है, ए में आ रहा है, यस ए में आ रहा है स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशियंट. और किस में आ रहा है, यस यस डी में आ रहा है स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशियंट. इट मीन्स अगर हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट जो मैंने यहाँ लिखा वो सफिशियंट है तो उस केस में जो मेरे ऑप्शन होंगे वो ए और डी होंगे, बी सी एंड ई आर रॉन्ग. क्लियर, ठीक है. सो फर्स्ट चेक स्टेटमेंट वन, इज इट सफिशियंट. इफ इट इज सफिशियंट यस, देन आवर ऑप्शन आर ईदर ए और डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, इफ नो देन अपना कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ईदर बी और सी और ई इज द करेक्ट आंसर. समझ में आई ये चीज, पहला स्टेप क्या होगा. ओके, दोबारा से रिपीट, फर्स्ट चेक स्टेटमेंट वन, इज इट सफिशियंट. अगर ये सफिशियंट होगा, यस अगर ये सफिशियंट होगा, जैसे इसी एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल वन, इफ द स्टेटमेंट वन इज सफिशियंट देन वी कैन से दैट ए एंड डी आर ए और बी डी इज द आंसर, करेक्ट आंसर, बी सी एंड ई इज रॉन्ग. If A is not sufficient to answer, to give the answer, तो फिर हमारा उस केस में क्या होगा, B, C और E होगा, ठीक है. Now the next second step is, इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं हम. Second step, now check statement two, is it sufficient. हम स्टेटमेंट टू को देखेंगे कि वो सफिशिएंट है या नहीं है. ओके, हमने स्टेटमेंट टू को देखा इस केस में कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, ये सफिशिएंट है या नहीं है. तो पहले अब हमारे पास दो केस बने यहां पे. दो केस किस तरीके से बने, लाइक देखो यहां पे कि अगर मैं इस केस को लेके चलूं यस वाले को, कि पहला हमारा क्या था, सफिशिएंट था. अगर पहला सफिशिएंट लेके चलूँ मैं, ए और डी में से आंसर है,
अब मुझे ए और डी में से ऑप्टिमाइज करना है कि मेरा करेक्ट आंसर कौन सा है, ए है या डी है। ओके अभी इसको भूल जाओ, राइट हैंड साइड में भूल जाओ, ठीक है, फॉरगेट द राइट हैंड साइड, जस्ट फोकस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कि फर्स्ट चेक स्टेटमेंट वन, इज इट सफिशियंट, यस सर इट इज सफिशियंट। ओके देन इधर ए और डी इज द करेक्ट आंसर, ए और डी करेक्ट आंसर है, माइंड में रखो। अब हमें करेक्ट आंसर बताना है कि वो ए है या डी है। नाउ चेक स्टेटमेंट टू, इज इट सफिशियंट, अगर स्टेटमेंट टू सफिशियंट है यस, तो फिर कौन सा आंसर होगा, टेल मी। इफ स्टेटमेंट, अभी हम ये लेके चल रहे हैं कि हमारा स्टेटमेंट वन जो है वो करेक्ट है, समझ में आया, तो वन जो करेक्ट है तो हमारे आंसर क्या हो सकते हैं, ए या डी। अब हमें देखना है कि अगर स्टेटमेंट टू करेक्ट है फिर हमारा आंसर कौन सा होगा, स्टेटमेंट टू करेक्ट है तो हमारा आंसर कौन सा होगा, डी, क्योंकि स्टेटमेंट वन तो पहले ही इसमें करेक्ट है। अगर स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशियंट तो हमारा आंसर होगा डी, और अगर स्टेटमेंट ए कब होगा, अगर हमारा जो स्टेटमेंट टू है वो अलोन इज नॉट सफिशियंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यस अगर होगा, नाउ चेक स्टेटमेंट टू इज इट सफिशियंट, इफ द स्टेटमेंट टू इज सफिशियंट देन वी कैन से आंसर इज कैपिटल, एंड इफ नो देन आंसर इज, दोबारा से देख लेते हैं, हमारा पहला स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है, ठीक है, अब अगर दूसरा स्टेटमेंट सही हुआ तब हमारा आंसर क्या होगा, डी होगा, अगर हमारा दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ तब हमारा आंसर क्या होगा, ए। क्यों, ए क्या बोलता है, ए ये बोलता है, ए का ऑप्शन हम जब टिक करते हैं, इफ स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशियंट टू गिव द आंसर बट स्टेटमेंट टू अलोन इज नॉट सफिशियंट, एंड डी क्या कहता है, ईदर ऑफ, या फिर ईदर नहीं आएगा, दोनों स्टेटमेंट ए अलोन, स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशियंट एज वेल एज स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशियंट, तो यहां से हमने ऑप्शन निकाल दिया डी और ए, समझ में आया। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा स्टेटमेंट टू चेक करना है कब, जब हमारा स्टेटमेंट वन क्या हो गया, फॉल्स, मतलब स्टेटमेंट वन हमारा क्या हो गया, सफिशियंट नहीं है, सफिशियंट नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन कितने बचे, बी सी और ई में। अब हमें बी सी और ई के अंदर से अपना करेक्ट ऑप्शन बताना है कि इनमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। ओके सो अभी हम क्या कंसीडर करके चल रहे हैं, अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं, फॉरगेट द लेफ्ट हैंड साइड एंड कंसंट्रेट ऑन राइट हैंड साइड। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द राइट हैंड साइड देन वी नो दैट प्री अज्यूम दैट स्टेटमेंट वन इज नॉट सफिशियंट टू गिव द आंसर। ओके सो बी और ई और सी इज द करेक्ट आंसर, इन तीनों में से कोई भी करेक्ट आंसर होगा। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा स्टेटमेंट टू सफिशियंट है या नहीं है। द फर्स्ट केस इज यस, अगर सफिशियंट है तो आंसर क्या आएगा, एंड द सेकेंड केस इज नो, अगर सफिशियंट नहीं है तो आंसर क्या आएगा, ये नेक्स्ट स्लाइड में लूंगा नो वाला। सो मैंने किया क्या कहा यहाँ पे, नाउ चेक स्टेटमेंट टू इज इट सफिशियंट और नॉट, चलो भाई देखते हैं। अभी हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं, Now we are assuming that statement वन is false. Statement वन false है तो उस केस में हमारे ऑप्शन क्या क्या बचे, B, C और E बचे या नहीं, Yes, B, C और E बचे। अब हमें यह देखना है कि जो हमारा statement टू है वो sufficient है या नहीं है। तो statement टू अगर sufficient है, Yes की बात करते हैं, तो इफ स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशियंट तो आंसर क्या आएगा अपना, बी डेफिनेटली। अगर यस की बात करें तो बी आ सकता है, समझ में आया। और इसमें क्या कह रहा है, सी में कह रहा है कि जो टू है वो सफिशियंट नहीं है, ई में भी कह रहा है जो टू है सफिशियंट नहीं है, अपने पास फिर सी और ई बचे। तो अभी हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे, अगर स्टेटमेंट टू करेक्ट है तो हमारा आंसर आ गया, आंसर इज बी। अब हम बात करेंगे अगर स्टेटमेंट हमारा सफिशिएंट नहीं है सेकंड वाला, तब नो के लिए। तो नो के लिए यहां से जो नो आ रहा है उसमें हम चेक करेंगे, ट्राई बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर, दोनों स्टेटमेंट को हम टुगेदर ट्राई करेंगे,
आर द स्टेटमेंट टुगेदर सफिशियंट, क्या ये स्टेटमेंट दोनों एक साथ सफिशियंट है या नहीं है? अगर दोनों एक साथ सफिशियंट होते हैं यस, तब हमारा आंसर क्या आएगा? अगर दोनों एक साथ सफिशियंट नहीं होते हैं तब हमारा आंसर क्या आएगा? चलो फिर से चलते हैं। अभी हमने क्या देखा कि स्टेटमेंट जो वन है वो क्या था, सफिशियंट नहीं था जब हमारे पास ऑप्शन थे बी सी और ई। अब हमें देखना है कि क्या हमारा स्टेटमेंट सफिशियंट सेकंड वाला सफिशियंट है या नहीं है। स्टेटमेंट सेकंड अगर सफिशियंट होता है तब हमारा आंसर आएगा बी। जैसे एग्जांपल इसकी बात करते हैं, इसमें क्या है हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, ठीक है, बट हमें क्या पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू फोर, फर्स्ट ये दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इजिकल टू फोर। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशियंट टू गिव द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल फोर? नहीं। अगर दो वेरिएबल है तब हम एक वेरिएबल की वैल्यू यहाँ से फाइंड नहीं कर सकते। बट इज स्टेटमेंट टू इज सफिशियंट टू गिव द आंसर, यस, एक्स स्क्वायर इजिकल टू फोर है हमारे पास, देन वी कैन से दैट एक्स इजिकल टू अंडर रूट ऑफ फोर, सो एक्स इजिकल टू प्लस माइनस टू, वी कैन गिव द वैल्यू ऑफ एक्स विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट टू, एंड स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशियंट टू गिव द आंसर। समझ में आया? तो हमारा जो सेकेंड जो ऑप्शन है वो एक स्टेटमेंट वो हमारा सफिशियंट था, हेंस वी कैन से द आंसर इज बी, जो मैंने इंडिकेट किया। अब हमारा पहला तो रॉन्ग है ही, अब हमें चेक दूसरा भी, अब हमारा वो जो है वो सफिशियंट नहीं है, पहला भी सफिशियंट नहीं है दूसरा भी सफिशियंट नहीं है। अब हमें ये देखना है कि क्या ये दोनों सफिशियंट एक साथ है या नहीं है। अगर ये दोनों एक साथ सफिशियंट नहीं है तो ऑप्शन होगा सी, और अगर डेटा इनएडिक्वेट है तो हमारा ऑप्शन होगा ई। सी और ई के जो मैंने एग्जांपल बताए थे वो यहाँ एप्लीकेबल होंगे। अगर ये दोनों सफिशियंट नहीं है देन वी कैन से आंसर इज सी, और अगर ये दोनों एक साथ सफिशियंट नहीं है पर डेटा भी इनएडिक्वेट है देन आंसर इज ई। सो इफ यू फॉलो द पैटर्न जो मैंने बताया, द स्टेप्स अगर ये फॉलो करते हो तो ये आपका जो टाइम है वो बहुत ही कम कंज्यूम करेगा, और एज वेल एज जो आपका ऑप्शन होंगे उनको ऑप्टिमाइज करेगा, करेक्ट आंसर देगा आपको, और आपको प्रॉब्लम के बीच में स्टक नहीं होने देगा, पहले ही आपको एलिमिनेट कर देगा, फर्स्ट स्टेटमेंट से ही ये आपके पांच ऑप्शन में से दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर देगा या तीन को कर देगा। कि अगर स्टेटमेंट वन जो है वो आपका करेक्ट हुआ तो तीन ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, इसलिए बी सी ई ए और डी आपके ऑप्शन है। फिर स्टेटमेंट टू देखना है आपको, ठीक है, और अगर आपका स्टेटमेंट वन रॉन्ग है सफिशियंट नहीं है तो आपके दो एलिमिनेट कर देगा ए और डी, आपको बी सी ई में देखना है, ठीक है। अगर फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम हो इस टॉपिक के अंदर तो अगेन राइट अस ऑन aptiquant@gmail.com। अगर कोई हिंदी मीडियम से है उसको जो ये स्टेटमेंट और ये सब वर्डिंग के अंदर कोई कुछ प्रॉब्लम्स आती है, अदरवाइज बेसिकली जो ये लेक्चर्स है दे आर इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों के लिए, बेसिकली द लैंग्वेज और इंग्लिश प्लस हिंदी। इफ़ एनीवन वांट द लेक्चर इन प्योर हिंदी देन राइट अस ऑन aptiquant@gmail.com, एंड इफ़ एनीवन वांट द लेक्चर ऑन प्योरली इन इंग्लिश देन अगेन राइट अस ऑन दिस। ओके, सो नाउ सम इम्पॉर्टेंट एडिशनल पॉइंट्स ऑन द डेटा सफिशियंसी, लाइक इफ अ क्वेश्चन इन्वॉल्व टू अननोन, अगर दो अननोन हमारे पास नंबर्स है उनको क्वेश्चन इन्वॉल्व करता है, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था आपको, अभी वही एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज स्टेटमेंट, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ अगर इस तरीके से आपके पास दो डिफरेंट अननोन्स की इक्वेशन है और डिस्टिंक्ट इक्वेशन है, तो इस केस में
आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा अगर ये अननोन है, डिस्टिंक्ट है, जैसे एक्स और वाई दो वेरिएबल हुए, इसमें भी एक्स और वाई दो वेरिएबल हुए, हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, तो डेफिनेटली जो सी होगा हमारा आंसर होगा और एल्स ई जो हमारा होगा आंसर होगा, नो अदर आंसर इज पॉसिबल। कैसे? इस केस के अंदर हमेशा याद रखना, अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आता है आपका तो आंसर डेफिनेटली सी होगा या फिर ई होगा, ए बी और डी आंसर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि दो वेरिएबल है, ठीक है, दो वेरिएबल है, इसका मतलब एनी ऑफ वन इक्वेशन अलोन इज नॉट सफिशिएंट। इस तरीके का क्वेश्चन है, उसकी बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, विद इन अ सेकेंड आंसर दे सकते हो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास आता है। बैंक में आता भी है, बैंक पीओ आईबीपीएस में। तो अगर आपके पास दो इक्वेशन है दो वेरिएबल के साथ, तब आप उसके अंदर आंसर डेफिनेटली आपका सी होगा, या फिर अगर डेटा इनएडिक्वेट है तो ये होगा ए बी डी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अलोन एनी वन इक्वेशन अलोन इज नॉट सफिशिएंट। लाइक अगर इसकी बात करें x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, तो ये अलोन सफिशिएंट नहीं है x की वैल्यू फाइंड करने में। अगर मैं बात करूँ 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो ये अलोन सफिशिएंट नहीं है x की वैल्यू फाइंड करने में। तो ए क्या होता है उसमें, स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशिएंट, तो ये भी गलत हो गया। बी क्या होता है इसमें, स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशिएंट, तो ये भी गलत हो गया। डी क्या होता है जिसमें दोनों सफिशिएंट रहते हैं, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है, नीदर जो रहते हैं। अब बात करते हैं सी की, तो सी के अंदर हमारे क्या होता है कि इफ़ यू कैन गेट द आंसर फ्रॉम वन एंड टू टुगेदर, अब वन और टू टुगेदर से हम आंसर फाइंड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो अब या फिर वन और टू टुगेदर से आंसर नहीं फाइंड कर सकते, तो हमें देखना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इस तरह की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर ये इक्वेशन सॉल्व भी करना है तो ये एक क्वांट का सेक्शन है, उसके अलग वीडियोज हैं, आप देख सकते हो इसी चैनल पे। सो इफ यू आर एडिंग द टू इक्वेशन, द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, व्हाट विल गेट, y का साइन प्लस में y का साइन माइनस में, देन दे कैंसिल आउट ईच अदर एंड यू विल गेट 3x प्लस x, दैट इज 4x इज इक्वल टू 15 प्लस 1 16। तो x इज इक्वल टू 16 बाय 4 और वी कैन से x इज इक्वल टू 1, हेंस वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाय द टू इक्वेशन कंसिडरिंग बोथ फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट, दोनों को अगर मैं कंसिडर करता हूँ उस केस में मैं इसकी वैल्यू दे सकता हूँ। सो मोस्ट प्रोबेबली इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर विल बी सी, वेरी क्लियर शॉर्टकट आंसर विल बी सी इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। So for more practice on data sufficiency, visit www.quantapti.com or write us at ftquant@gmail.com. Stay tuned at Quantapti on YouTube. Thank you very much.